सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक नए वीडियो पर सुबह सुबह। तो फाइनल आ चुका है मिस्त्री बाबू, तो किचन का बनाने के लिए इसमें गड्ढा की खुदाई कर रहे हैं एक एक करके। तो सुबह सुबह आ चुके हैं, इसमें बना रहे हैं काफ़ी स्पीड करके गड्ढा खुदाई कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द तीन तो फिनिश किए हैं गड्ढा। वहाँ पर मिस्त्री बाबू काम स्टार्ट कर दिए हैं और वाइफ वाइफ जा रही हैं, वो सेंसिबल है आदमी खोसने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना लकड़ी कुछ काटना बाकी रह गया, तो उस दिन काटने वाला था, लेकिन मिस्त्री बाबू का उधर के हिसाब से करना पड़ता था कुछ, तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर। वो हुकाम बोलता है यहाँ के लोग, सो उससे हिंदू लोग कहते हैं कि शारदा सरमनी कहते हैं, हम लोग उससे कहते हैं सात दिन ने धर्म। तो वहाँ पर तो जाना पड़ेगा भाई, तो आजू बाजू का ही है, पड़ोस का है, जाना चाहिए। तो बोले तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, और वहाँ पर जाते हैं, साथ में वहाँ पर खाना भी खा सकते हैं या पर वाइफ वाइफ रह सकते हैं, और मिस्त्री को खाना खिलाना पड़ेगा मिस्त्री बाबू को, और चलते हैं उस तरफ। काम मुझे मदद भी करना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा काम करना पड़ेगा वहाँ पर जाके ही, और मैं जाऊँगा अभी पूजा पे, और इसमें काम चल रहा है मिस्त्री बाबू। ओके ओके, तो ये भी जाएगा बोल रहे हैं, बस एक ही पेंडिंग है, तो साथ में जाएंगे। तो और सुनती, इसका मतलब वो बाईसाइकिल चोरी हो गया, इसका ही गलती है, मतलब जंगल में जहाँ तहाँ छुड़ के गया था, वो 4-5 दिन तक उसको देखने के लिए आया नहीं, ऐसे चोरी करके ले गया, और इसमें जाएंगे। ये भी जाएगा मिस्त्री बाबू, मतलब प्रियंका जी का बुआ का हस्बैंड, तो मेरे लिए बुआ बनेगा, वहाँ पर जाएंगे पूजा में। और यहाँ पर मेरा छोटा भाई और प्रियंका दोनों रहेंगे, दोनों मतलब मुखबंग करेंगे, चिकन भी है फॉर्क भी है, लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा। ये दोनों चिकन फॉर्क इतनी चैलेंज करेंगे दोनों, तुम्हारा साथ हम जीत नहीं सकते, इसलिए मेरा देवर का बुला लो। ओके ओके, यहाँ पर बीरी और सुपारी पान अनलिमिटेड, और इसमें है खैनी सदा, सब कुछ रख दिया है गैस लोग के लिए, तरह मैं टेस्टिंग ही करता हूँ। सो दोस्तों, मैं अपना हिस्सा को ना वहाँ पर वो ट्रेडिशनल प्रोग्राम है उसमें खा के आया हूँ मैं, तो यहाँ पर वाइपुआ और दर्पण मेरा छोटा भाई आदि खाने के चैलेंज करेंगे। तो मैं वहाँ से आने के बाद ना लगभग 10-15 मिनट के आसपास ही सोया था मैं, और ये लोग आपस में खाएंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बने हैं। यहाँ पर बल बैंगन, अरे यार यहाँ पर चिकन बनाया, और पर्क किधर है, ये भी खा, सकौन है, दो प्रकार चकौन यहाँ पर है, सकौन सिकौन वा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मुंगबांग की वीडियो चाहिए ना, तो प्रियंका ऑर्गेनिक ब्लॉग्स में देख लेना खाने का वीडियो, लेकिन मैं आजकल मुंगबांग नहीं कर रहा हूँ, कारण ये है कि मैं सुअर के जिस समय भैंस की तरह मैं मोटा होता जा रहा हूँ दिन बर दिन, इसलिए मैं आजकल मुंगबांग करना है बंद कर दिया हमें, तो लगता है फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आजकल व्यूज डाउन हो गया, मेरा इनकम भी डाउन हो गया, सोच रहा हूँ कि यार पेट वेट तो गोली मारो, सुअर तो और गोली मारो, आप तो बनना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को चिकन के साथ मुंगबांग, फर्क के साथ मुंगबांग वीडियो चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके बोलना यार हाँ चाहिए करके, मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। इस वाले मेरा मोटापा को फिनिश करने के लिए मैं वो इसमें कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। आए किसका थाली है, ये मेरा है तार थाली, इसका भाभी है का है, हाय तार थाली, यस सकनवा, मैं सिर्फ सिकनवा और ये से खाऊंगा, बेचारे के लिए यही रख देते हैं ना। अरे यार इधर मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते कैमरा बंद करके मैं हाथ हाथ बताऊंगा वहाँ पर, टस टस कर रखा जाऊंगा। यहाँ पर ये दोनों अभी स्टार्ट करेंगे इटिंग चैलेंज, दोनों पूरा कलवा कलवा कला ड्रेस। गाइस ये दोनों इटिंग चैलेंज कर रहा है, मेरा मुंह से ना लार टपक रहा है, तो टेस्टिंग करते हैं, ऑलरेडी मैं खा के आया इससे बेहतर, बढ़िया हुआ है, इसलिए मैं शादी किया है, बढ़िया कुकिंग करती है, लग रहा है इससे बढ़िया मेरा साले अच्छा बनाती है खाना, सब कर रहा मैं। कौन हार रहे हो, लगता है मैं ही हार जाऊंगा, नहीं हारेगा, गाइस डॉग मुंगबांग रहेंगे, खान से मुंगबांग, चलो मुंगबांग ये सिकोन के साथ, चलो मुंगबांग, हाँ
मुकबांग स्पीड खाओ स्पीड स्पीड वो मुकबांग वाह ये खाओ ये मुकबांग ये खाओ फिनिश करो धीरे धीरे खाती है किसी काम का नहीं है स्पीड खाओ ना स्पीड स्पीड लो चिकन फिनिश करो चलो मुकबांग करो खाओ रे ये ऑलरेडी खाया इसलिए नहीं खा रहा ये मुकबांग करो यार तू ये गद्दा इतना तो गहरा नहीं हुआ और बहुत ही जल्द ना हमारे यहाँ पर बालू निकलते हैं थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद बालू निकलते हैं हमारे यहाँ पर और पत्थर बहुत जल्दी पा जाते लगभग ना 5 फीट या 6 फीट गहरा कुछ तक खुदाई करने से ना पानी निकलता है पूरा फ्रेश फ्रेश वाटर तो बस मिट्टी तो पूरा वो था गिरने का चांस नहीं है। आखिरकार पहुँच गए हैं मिस्त्री बाबू अभी फिर से स्टार्ट होगा घर बनाए उसका बाद उसमें रहेंगे ना यहाँ पर बिन बिन के रख रहे हैं तो ये दरवाज़ा ये तो दरवाज़ा बनेगा ये हमारे यहाँ पर लकड़ी बहुत ही सस्ता होता है काफ़ी सस्ता होता है लकड़ी में तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर आयरा लेने के लिए होगा कि नहीं होगा आयरा होगा कटिंग करने का है का प्राइस 380 दो गो लेवल बनी है या दार खरी खातिर और है या पूरा 300 कैश बना के तो ऑनलाइन देव थी चली हाँ ठीक बानी तो अभी चलते हैं भाई मिस्त्री बाबू जो दीवान करते हैं वो दिन में तो पड़ता ही है नहीं तो काम नहीं करेगा ये वाला लिया है अभी चलते हैं पिताजी के घर पे वहाँ पर और उसमें बेम्बू काटने के लिए आठवीं कुछना पड़ेगा भाई नहीं तो मैं काटने से इधर उधर कौन दौड़ेगा कालू वहाँ तू भी जाओगे हाँ कालू तू भी जाओगे कालू वहाँ घूमते रहते इधर उधर कहाँ कहाँ घूमते रहते हो म्यूजिक वहाँ कालू वहाँ म्यूजिक बहुत अच्छे क्या बात है फिर से म्यूजिक जोर से कल म्यूजिक द और मैं बेम्बू काटिंग के लिए वो अंकल जी को बोल दिया हमें तो मेजरमेंट करके लेके आया हूँ उस तरफ पिताजी ने ऑलरेडी बेम्बू वो काट के रख दिए हैं मेरे लिए बसल खाता खा रहा हूँ सेले तो सेम बेम्बू टच रख दिया मोर देन 60 खाट रख दिया 4 दिन मेहनत करके और मैं वहाँ पर तो को पत्ता रख गया था तो उसको भी मतलब फूल करके रखना पड़ेगा तो टाइम नहीं भाई इसलिए मैं वीडियो आज का बहुत ही कम छोड़ रहा हूँ मैं कलवा म्यूजिक वहाँ कलवा म्यूजिक म्यूजिक वहाँ मेरा दोस्त मेरा कल्लू म्यूजिक तुझे भी काटना है हाँ म्यूजिक वहाँ और यहाँ पर पिताजी भी बेम्बो के काम कर रहे हैं यानी कि रिपेयरिंग के लिए ये बोला इसको मतलब रिपेयरिंग के लिए रिपेयरिंग कर रहे हैं ये तरह नीचे करके क्योंकि ऊपर होने से ना पानी उतरने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन मोटर से पानी उतर सकता है लेकिन इसे अगर उतना से बढ़िया होता है ये है घर हुआ बासन लिप्स और दोस्तों अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मिस्त्री बाबू वेट कर रहे हैं उसको बाहर करने के लिए कल से वो लगातार धूमधाम काम कर रहा है और सेंसो बोला आदमी वो शाम को आ जाएगा इसलिए तो सब बिना सेंसो के आदमी के साथ वो हो नहीं पाएगा इसलिए तो पहले इसको धार करेगा और उसे लेके आया मैं 300 रुपये में इससे 300 रुपये का एक बिहार का आदमी से यहाँ पर मतलब वो सेलिंग करा मैं उसे जब भी आता हूँ वो
टूटा फूटा भोजपुरी से मैं बात करता हूँ भाई साहब से। तो फाइनली आ गया सेंसर वाला आदमी, तो कार से लगातार काम होगा। मेहनत करते करते लकड़ी का मेरा बहुत ताकत चाहिए। ओके गाइस, ये बोला तो बस वो बोला पेंडिंग है, 12 तो काटना पड़ेगा। सो पूरा काम भी हो चुके हैं। मैं गया था वो लाने के लिए, वो बोला क्रैंक 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 करने वाला, वो लकड़ी पे फाड़ने वाला, बेबू फाड़ने वाला। तो इधर मैं आ गया है, ये लकड़ी काटने वाला। और ये तो कहाँ कहाँ से गिरा के लेके आया, इसे पूरा थक गया है, इसलिए पूरा पूछना छूट गया। देखो इसे गिरा के लेके आया, इतना थकत भर है हमारा बुढ़िया। और दोस्तों सबके सब जा चुके हैं, मेरा छोटा भाई भी जा चुके हैं, वो मिस्त्री भी जा चुके हैं, जो लकड़ी काटने वाला आदमी वो भी जा चुके हैं, एक एक करके सब चला गए हैं। एक्चुअली वो किचन भी बनेगा, घर भी बनेगा, एक रूम बनेगा। तो ये तो बहुत से नाम का ये वो सरकार ने से छोड़ा हुआ स्कूल का घर है ये, मतलब ये विद्यालय था छोटा सा आंगनबाड़ी स्कूल था, इसे बंद हो गया। ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ये कब टूटेगा तो पता नहीं है। तो मैं जहाँ पर रहता हूँ वो अपना नहीं है, दूसरा का ही है। और इसलिए जब यहाँ पर जब बनेगा ना छोटा सा लकड़ी का घर, रूम एक तो बनेगा और किचन बनेगा, तो वहाँ पर मैं टीका में दिया हमें एक गाँव का प्रियंका जी का बुआ का हस्बैंड को, तो वो बना के देगा, बोलता है कि इस महीने के अंतर में कंप्लीट करके दे देगा। तो मैं पैसा पूरा एडवांस भी दे चुका हूँ, लकड़ी पूरा जो भी चाहिए पूरा मैं ए टू जेड में हो चुके हैं, वो जो डिमांड करता है मैं पूरा मैं फुलफिल कर चुका हूँ मैं वो अंकल जी को। तो कल से पूरा कंटिन्यू करेगा, आज तो पूरा गड्ढा की खुदाई हो चुके हैं कम्प्लीट, और वो भी लकड़ी पूरा कम्प्लीट हो चुके हैं। और अंकल जी को ना उसको भी मैं बेम्बो काटने के लिए उसको मैं ठेका भी दिया हूँ मैं, क्योंकि मैं भी कर सकता हूँ वो चीज़ें। पत्थर ऑलमोस्ट काट चुके हैं और काफ़ी काटना बाकी है, मैं काटने से ये काम कौन करेगा। वो काफ़ी चीज़ें डिमांड करता है मिस्त्री लोग, ये लाओ वो लाओ, ये चाहे वो चाहे, इसलिए तो। और मार्केट ना यहाँ पर नहीं है, तो मार्केट के लिए 4-5 किलोमीटर कभी कभी 7-8 किलोमीटर तक भी जाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह में नहीं मिलता कुछ चीज़ें। तो एक लकड़ी का घर बनाने से उसका आयु तो एस्टिमेट तो 8-10 साल के आसपास ही लास्टिंग करते हैं। तो अभी तो मेरा औकात ही नहीं है बढ़िया करके घर बनाने का, तो यहाँ पर बस हम लोग इसमें कुछ साल ही रहेंगे। और यहाँ से जो मैं अपना खुद का जमीन लिया ना यूट्यूब का पैसा से, तो वहाँ पर मैं ऑरिजिनल एक प्लॉट लिया हूँ, तो 1 बीघा बोलता है यहाँ पर, 1 कट्टा ऐसे कुछ पता नहीं क्या बोलता है हिंदी से ही 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। तो वहाँ पर मैं खुद एक घर बनाऊँगा और यूट्यूब पे मेहनत करके मैं वो से लिया हूँ, तो उसमें बनाएंगे। यहाँ पर बस ओनली फॉर टेम्प्रोरी है, तो ये मतलब कंप्लीट होने के बाद दोस्त लोग को पूरा वेलकम करूँगा हमेशा, आ जाओ। काफ़ी सारे दोस्त आ जाएंगे यहाँ पर, इसलिए दमादम करना पड़ेगा। और मुझे एक शायद ट्रैक्टर टॉयलेट बनाना पड़ेगा उसमें हाँकने के लिए, तो यार अरे भाई वायर है। और गाइस ना मैं काफ़ी बिजी हूँ, इसीलिए मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ, तो आज के वीडियो तो काफ़ी शॉर्ट है होंगे ही। तो गाइस आज की वीडियो को अभी फिनिश करते हैं ना, तो मिलेंगे कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस, बढ़िया से रहना, बरकत करना है ना, और खूब इंजॉय करना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ना अगले महीने से जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, मैं जंगल पे रहने की कोशिश करूँगा, यानी कि एडवेंचर। और इस महीने का ना यूट्यूब के पेमेंट आने से मैं तो बढ़िया सा टेंट लूंगा, उसके बाद जंगल पे जाके एडवेंचर करूंगा। तो फाइनली वाइफ वहाँ भी आ चुके हैं, तो ये लोग तो शाम को खाना खाया, मुझे भी तो इतना भूख नहीं लग रहा है, तो शायद आज तो ऐसे सो जाएंगे, क्योंकि उसको भी भूख नहीं लग रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है, और रात को भूख लगाएंगे तो बना के खाएंगे। बाय गाइस, बढ़िया से रहना यार, लव यू गाइस, बाय।